हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP इंग्लिश मंत्रा में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं एक और एडवांस स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। कभी कभी हमें पर डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे अब मुझसे मिलने से क्या फ़ायदा है, फेसबुक चलाने का क्या फ़ायदा है, समाचार पत्र खरीदने का क्या फ़ायदा है। तो जब बोलने होते हैं आपको ऐसे सेंटेंसेस, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं व्हाट्स द पॉइंट ऑफ। इसका हिंदी मीनिंग है क्या फ़ायदा है। फ्रेंड्स, ये हमारा एक इंग्लिश का एक्सप्रेशन है। जब कभी हम गुस्से में होते हैं, नाराज होते हैं, तो इसका यूज करते हैं। आइए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद अदर वर्ड आएगा। आइए एग्जांपल के माध्यम से अच्छे समझ लेते हैं। समाचार पत्र खरीदने का क्या फ़ायदा है। कोई पर्सन है, वो समाचार पत्र खरीदता है, पढ़ता है नहीं है, तो आप उसे बोल रहे हो यार समाचार पत्र खरीदने क्या फ़ायदा है, गुस्से में आप ऐसा बोल रहे हो। तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बाइंग द न्यूज़पेपर, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बाइंग द न्यूज़पेपर। मोबाइल चलाने क्या फ़ायदा है, आप सही से उसका यूज करते ही नहीं हो, जो करना चाहिए वो करते नहीं हो। तो इसका इंग्लिश बोलेंगे व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग मोबाइल, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग मोबाइल। फेसबुक चलाने का क्या फ़ायदा है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग फेसबुक, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग फेसबुक। अब मुझसे मिलने से क्या फ़ायदा है, यानी आप कह रहे हो उसको जब तुमको मिलना तब तो मिले नहीं, अब मिलने से क्या फ़ायदा है। तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मीटिंग मी नाउ, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मीटिंग मी नाउ। उर्दू सीखने से क्या फ़ायदा है, कोई पर्सन है वो उर्दू सीखने के लिए बोल रहा है, आप उसे गुस्से में बोल रहे हो उर्दू सीखने से क्या फ़ायदा है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लर्निंग उर्दू, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लर्निंग उर्दू। अंग्रेजी सीखने का क्या फ़ायदा है, यदि तुम अंग्रेजी में बोलते नहीं, तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लर्निंग इंग्लिश इफ़ यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लर्निंग इंग्लिश इफ़ यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश। दैट्स इट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आइए करते हैं आपसे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है आपसे, यहाँ ठहरने से क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।